आज हम सीखेंगे सिंपल पास्ट का प्रयोग। इस टेंस के हिंदी में अंत में क्या होता है, ता था, ते थे, ती थी या आ ए ई आता है। जैसे बढ़ता था, खेलता था, हंसता था, बोलता था, हंसा, बोला, खेला, पढ़ा, ये इसके वाक्य होते हैं और ये अंत में आता है। अंग्रेजी में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस MV2 प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ा, ही रीड ए बुक, वह फुटबॉल खेला, ही प्लेड फुटबॉल, वे लोग बाजार गए, दे वेंट टू मार्केट। और जब नेगेटिव बनाते हैं तो वह झूठ नहीं बोलता था, ही डिड नॉट टेल ए लाई, वह झूठ नहीं बोला, ही डिड नॉट टेल ए लाई। अब हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन बनाते हैं तो डिड आगे आता है, तो हम डायलॉग के माध्यम से देखेंगे कि हम कैसे सिंपल पास्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ये बच्चे आपके सामने में बोलेंगे सिंपल पास्ट में। क्या तुम कल जल्दी उठे? डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे? हाँ, मैं कल जल्दी उठा। यस आई डिड। क्या तुमने अपना नाश्ता किया? डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट? हाँ, मैंने कर लिया। यस आई डिड। क्या तुमने अपना होमवर्क किया? डिड यू डू योर होमवर्क? हाँ, मैंने कर लिया। यस आई डिड। क्या तुमने कोई शोर सुना? डिड यू हेयर अ नॉइज? ना, मैंने कोई शोर नहीं सुना। नो आई डिड नॉट हेयर। तो आपने देखा, इन बच्चों ने बात किया है सिंपल पास्ट टेंस में। दे आर जस्ट ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश एंड आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम। आई होप इफ दे ट्राई लाइक दिस दे कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड यू माई डियर स्टूडेंट फॉलो द रूल्स यू कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश। डियर फ्रेंड, आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।